हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से अपने वाईफाई का इशू सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो किस तरीके से आपको वाईफाई का इशू सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिएगा वाईफाई की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो 100% आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली करना है कि आपको विंडो एरर पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर विंडो एरर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर विंडो एरर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर कंप्यूटर वाले ऑप्शन पर राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मैनेज वाला ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो जैसे आप मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिवाइस मैनेजर। तो यहाँ पर साइड में देखिएगा आपको डिवाइस मैनेजर वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली डिवाइस मैनेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर डिवाइस मैनेजर पर क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आपको नेटवर्क अडैप्टर पर चले जाना है। जैसे आप यहाँ पर नेटवर्क अडैप्टर पर क्लिक करते हो तो नेटवर्क अडैप्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर वाईफाई वाला आपको चेक करना है, तो यहाँ पर वाईफाई वाले पर राइट क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारा इंटरफेस आ जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है। यहाँ पर अगर आपको इसके बाद अपडेट नहीं होता है बाय द वे ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पर फिर राइट क्लिक करना है अपने जो भी है उस पर। जैसे आप राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लगभग जो इंटरफेस आएगा तो आपको बता देता है। तो यहाँ पर आपको जो भी चूज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर इसके बाद आपका ड्राइवर नहीं उठाता तो सिंपली इसके ऊपर फिर राइट क्लिक करोगे। आप राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे आप इस ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर देते हो, अनइंस्टॉल करने के बाद सिंपली करना क्या है, आपको इससे अपने लैपटॉप या फिर पीसी को एक बार रीस्टार्ट करना है। अपने वाईफाई ड्राइवर को अनइंस्टॉल करने के बाद एक बार पीसी को रीस्टार्ट या फिर लगभग शट डाउन करके फिर दोबारा ओपन करना है, आपको रीस्टार्ट कर देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर रीस्टार्ट कर देता हूँ, और रीस्टार्ट करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो 100% आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपना इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरीके की जानकारी और भी मिलती रहे। तो फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर